Assalamu alaikum, dear student. I hope you are all fine. In the previous lecture, we discussed about the causes of unhappiness from the first portion of this very book, The Conquest of Happiness, in which Bertrand Russell talks about the causes of unhappiness. And now in this part, we will discuss about the causes of unhappiness. When he just started the second portion, he asked a question that is happiness still possible? Then he answered and then he differentiated what are the different types of happiness. Happiness of two sorts. There is two types of happiness. Perhaps the simplest way to describe the difference between the two sorts of happiness, we have to differentiate between these two types of happiness. जो दो अकसाम हैं happiness के वो कौन से हैं, we have to differentiate between these two types of happiness. One sort is open to any human being and the other only to those who read and write theirs of the heart and the head. एक जो है किस्म, जो एक अकसाम है इस happiness की, that's open to the any human person. ठीक, जो एक जो फर्स्ट अक्साम है, जो फर्स्ट टाइप ऑफ जो फर्स्ट टाइप है इस हैप्पीनेस की, वो हर के लिए होती है, जो हर इंसान उनके लिए होती है. लेकिन द सेकेंड वन इज़ दोज हु रीड एंड राइट, जिनके पास दिल और दिमाग होता है उनके लिए खुशी होती है, उनके लिए हैप्पीनेस होती है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस. एक तो हर किसी के लिए होती है, वो यूनिवर्सल है. लेकिन जो सेकेंड हैप्पीनेस है वो सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो रीड एंड राइट, जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं. दे हैव द हर्ट इन द हेड, इनके पास दिल और दिमाग होती है. उन दिल और दिमाग सिर्फ उन लोगों के पास होती है, दोज़ हु रीड एंड राइट. डेफिनेटली अगर इस राइटर के हिसाब से देखें, द हर्ट हर्ट इन द हेड तो हर किसी के पास होती है. लेकिन जो पढ़ते हैं, दोज़ पीपल हु आर रीडिंग एंड राइटिंग, डेफिनेटली दे हैव द हर्ट एंड हेड. सो जो ये दूसरी किस्म है, जो अकसाम है इसकी हैप्पीनेस की, वो सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो जिनके पास रीडिंग एंड राइटिंग का एक्सपोजर होता है, जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, जो समाज को इन नज़र से, इस नुक्ता नज़र से देखते हैं. That is the happiness of uneducated corner at the chasing after rabbits. ये देखें, happiness एक तो हर किसी के लिए एक universal common होती है. उन्होंने एक example quote किया है कि भाई एक happiness for the uneducated gardener, जो gardener होता है, definitely chasing the rabbits, वो rabbits के पीछे भागता है तो he enjoy that moment. ये भी एक happiness है, ये example quote करता है. ये एक uneducated people के लिए ज़रूर होती है, because he just enjoying and he just chasing the rabbits. ये एक खुशी होती है, एक अकसाम है उनके लिए, एक हैप्पीनेस है, एक पीस है, एक पीसफुल कंडीशन होती है. दे इंजॉय दैट वेरी मोमेंट कि वो चेज़ कर रहे हैं रैबिट्स के लिए. ये भी एक अकसाम है सिर्फ अनएजुकेटेड, जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं उनके लिए होती है. देन अ फ्रेंडली इंटरेस्ट इन पर्सन, द कॉइन द लाइक्स टू ऑब्जर्व पीपल एंड फाइंड प्लेयर इन दियर इंडिविजुअल ट्रेस विल बी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस. ये जो दूसरी अकसाम है, जो सेकेंड टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस है, वो उन लोगों के लिए होती है. द इंटरेस्ट इन पर्सन, जो लोगों को देखते हैं, लोगों के नज़रिए को देखते हैं, लोगों के जो एक्सपीरियंस है, लोगों के जो काम है, जो लोगों के जो कंट्रीब्यूशंस हैं, उनको ये लोग देखते हैं. देन दे ऑब्जर्व the people and find the player in individual traits. वो देखते हैं कि जो एक वैरायटी है लोगों में, जो एक 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 डिफरेंस है लोगों में, चाहे वो हर हर कोई इंसान एक पर्टिकुलर क्वालिटी में ज़रूर वो एक्सपीरियंस होगा, माहिर होगा, अल्लाह मतलब कोई ऐसी क्वालिटी ज़रूर होगी किसी न किसी के पास. सो पीपल दोज हु आर रीड एंड राइट, दे ऑब्जर्व क्लोजली, लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, उनके जो ट्रेंड्स होते हैं, डिफ़िकल्टी, इंडिविजुअल जो कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, या कोई इंडिविजुअली ऐसी कोई टैलेंट होता है, तो वो देवर जस्ट एडवाइज दैट. जो सेकेंड टाइप के लोग होते हैं, दे उनकी जो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस ये चीज़ें होती हैं. कौन सी ऐसी चीज़ें? दे जस्ट क्लोजली ऑब्जर्व देयर फ्रेंड्स, देयर पीपल, देयर सोसाइटी, एंड दे सी द ट्रेड्स इन देयर पीपल्स. उनमें जो ट्रेड्स होते हैं, जो उन पर्सनली ट्रेड्स होते हैं, उनको एडमायर करते हैं, उनको देखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं. ये एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है. फर्स्ट जो टाइप्स है
हैप्पीनेस की वो यही है कि आप अनएजुकेटेड हैं, आप गार्डन में जिस तरह गार्डनर होता है जैसे चेजिंग द रैबिट्स हैं उसमें वो इन्जॉय करता है। लेकिन जो सेकंड हैप्पीनेस है, सेकंड टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस सिर्फ उन लोगों के लिए होती है दोज हु सी द पीपल क्लोजली एंड ऑब्जर्व दियर पर्टिकुलर क्वालिटीज़ एंड देन देन सी द ट्रेड्स। वो एक पर्टिकुलर उनके पास एक ऑब्जर्वेशन होती है जो लोगों को देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं। Then the secret of happiness is this, let your interest be as wide as possible and let your reaction to the things and the person that interests you be as far as possible friendly rather than hostile. जो खुशी का एक सीक्रेट होता है, द हैप्पीनेस का एक जो सीक्रेट होता है, लेट योर इंटरेस्ट, जो आपके इंटरेस्ट हैं बी एज वाइड एज पॉसिबल, बड़े होने चाहिए। लेट योर रिएक्शन टू द थिंग्स एंड पर्सन दैट इंटरेस्ट यू बी एज़ फार एज़ पॉसिबल फ्रेंडली रादर दिन हॉस्टाइल। आप लोगों के लिए एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में घुस जाएँ, लोगों से मिल जाएँ, लोगों के लिए एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट के लिए करें। आप लोगों से मिलें, लोगों को एक फ्रेंडली वे से, लोगों के साथ फ्रेंडली वे से बिहेव करें। देखें आपके जो रिएक्शन हो छोटी छोटी बातों पे, छोटी चीज़ों में बिल्कुल कम होनी चाहिए। यू डोंट बी हॉस्टाइल टू दिस पीपल, यू शुड बी द फ्रेंडली विद द पीपल। यही सीक्रेट है कि आप लोगों की कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, लोगों को कितनी इज्जत देते हैं, लोगों का कितना ख्याल रखते हैं। आप सोसाइटी में अपने बड़ों का, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, इवन पूरे जो समाज का, आप किस तरह उसको देखते हैं, किस तरह उसका ख्याल रखते हैं, इन सारी चीज़ों में आपकी जो हैप्पीनेस का सीक्रेट है वो इन चीज़ों में। अगर आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, लोगों को प्यार देते हैं, लोगों का एहतराम करते हैं, तो ये भी एक हैप्पीनेस का सबब है अकॉर्डिंग टू बर्ट्रंड रसेल। देन क्या हमें हैप्पीनेस कैसे मिल सकती है, हाउ वी कैन बी अ हैप्पी पर्सन इन दिस वर्ल्ड। सो जीस्ट ही जस्ट आक द वन पॉइंट, एक तो जीस्ट होना चाहिए। वर्ड मन बाई द जीस्ट, द मोर थिंग्स ए मैन इंटरेस्टेड इन, जितनी ज़्यादा चीज़ों में आप इंटरेस्टेड होंगे, दुनिया के मुख्तलफ पहलू हो, दुनिया के मुख्तलफ एस्फेयर हो, डोमेन्स हो, डॉक्ट्राइन हो, अगर आप उनमें इंटरेस्टेड हैं, द मोर अपॉर्चुनिटीज ऑफ हैप्पीनेस ही हैज़ एंड द लेस ही इज द मर्सी ऑफ इट। उसके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी उसकी हैप्पीनेस के लिए, उनके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज, ज़्यादा मौके होंगे जो दुनिया के मुख्तलिफ चीज़ों में, मुख्तलिफ पहलुओं में, लोगों में इंटरेस्ट रखते हैं। एंड द लेस ही इज़ एट द मर्सी ऑफ फेट, किस्मत पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। अगर आप हैप्पी हैं या आप सेट हैं या आप ट्रैवल्स में, तो ये आप किस्मत पे डिपेंडेंट होंगे नहीं। अगर आप दुनिया के मुख्तलिफ चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, दुनिया के वो बिल्कुल एक डिफरेंट पहलू से देखते हैं जो उमूमन हमारी सोसाइटी देखती है, उनसे हटकर आप देखते हैं, तो आप हैप्पी पर्सन हैं इन दिस वर्ल्ड। सिंस If he loses one thing, he can fall back on back upon another. अगर कोई एक चीज़ आपसे चली जाती है, आप you lose one thing, definitely you will fall to another. अगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी नहीं, तो definitely वो आप मिस कर देते हैं, वो आपसे खो जाती है, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर होगी। अगर आप दुनिया के डिफरेंट पहलू में इंटरेस्टेड हैं, दुनिया को मुख्तलिफ पहलू से देखते हैं, यू हैव द डिफरेंट लेंस टू सी द वर्ल्ड, तो आपके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होगी, वो अपॉर्चुनिटी आपकी हैप्पीनेस का सबब बनेगी, जो आपकी खुशी का एक सबब बनेगी। यही जीस्ट है, यही जज्बा है, यही आपका जो एंथुसियाज्म है जो आपको हैप्पीनेस की तरफ ले जाता है। लाइफ इज़ टू शॉर्ट, ज़िंदगी बिल्कुल एक मुख्तसर है, डेफिनेटली लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू बी इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग। हर चीज़ में आप इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी बिल्कुल एक मुख्तसर है। बट इट इज़ गुड टू बी इंटरेस्टेड इन मैनी थिंग इज़ और नेसेसरी टू फिल अवर डेज। लेकिन ये बर्ट्रंड रसेल की मेन पॉइंट थी कि आप जितनी चीज़ों में इंटरेस्टेड होंगे, जो चीज़ें आपको दिन को एक अच्छा दिन बना सकती हैं, तो यू शुड बी इंटरेस्टेड इन दीज थिंग। जितनी चीज़ों में आप इंटरेस्ट लें, जितनी चीज़ों को आप इंजॉय करें, देखें, यू शुड इंजॉय दीज थिंग, बिकॉज दीज थिंग मेक यूर डे वेरी हैप्पी एंड वेरी पीसफुल। देन द अफेक्शन, देन ही टॉक अबाउट द अफेक्शन। एक तो जीस्ट होना चाहिए खुशी के लिए, जज्बा होनी चाहिए, दूसरी आपके पास अफेक्शन होनी चाहिए। अब वॉट इज मीन बाई अफेक्शन, वन ऑफ द चीफ कॉज ऑफ लेक ऑफ जीस्ट इज द फीलिंग दैट वन इज़ अनलव्ड, वेयर
वेयर इज कन्वर्सली द फीलिंग्स ऑफ बींग लव्ड प्रोमोट जीस्ट मोर देन एनी थिंग एल्स डज. ज़्यादातर जो लेक ऑफ जीस्ट होता है उसका यही सबब होता है दैट वी आर नॉट लव्ड. हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, हमसे कोई बस नहीं मिलता, कोई हमसे बात नहीं करता. ये एक एक जज्बा होता है, एक 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 पॉइंट होती है, एक नुक्ता होता है जो ये हमें लगता है कि हमारे पास ये जज्बे का क्यों सबब नहीं है, हमारे पास जीस नहीं है, क्योंकि हमें यह महसूस होता है कि हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, हमसे कोई प्यार नहीं करता, हमारी कोई इज्जत नहीं करता. यही चीज़ है जो एक लेक ऑफ जीस का सबब बनती है. द फीलिंग ऑफ बींग लव्ड प्रोमोट्स जीस्ट. अगर आप ये समझते हैं कि आपको आपकी रिस्पेक्ट की जा रही है, आपको प्यार दिया जा रहा है, दैट्स प्रोमोट्स जीस्ट मोर देन एनी थिंग एल्स. यही चीज़ है जो आप में एक जज्बा पैदा करेगी, यही जज्बा आपको हैप्पीनेस की तरफ ले जाएगा. द बेस्ट टाइप ऑफ अफेक्शन इज रेसिप्रोकली लाइफ गिविंग, ईच रिसीविंग अफेक्शन विद जॉय एंड गिव इट्स विदाउट एफर्ट एंड ईच And each finds the whole world more interesting in consequence of the existence of this reciprocal happiness. जो बेस टाइप है अफेक्शन का ये रेसिप्रोकल है, गिविंग एंड टेकिंग. ये अच्छी है. दिस ईच रिसीवर्स अफेक्शन विद जॉय एंड गिव्स विदाउट एफर्ट. अगर आप दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरों को दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरों को प्यार देते हैं, तो ये एक रेसिप्रोकल होता है. मतलब आप जितना प्यार देते हैं दुनिया वालों को, लोगों को, इतना आपको उनके रिप्लाई में प्यार, उतनी रिस्पेक्ट, इतना अफेक्शन आपको मिलती है. ये जो हैप्पीनेस है अफेक्शन के थ्रू जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है. आप जितनी हैप्पीनेस, जितनी रिस्पेक्ट दूसरों को देते हैं, इतनी आपको उनके जवाब में भी मिलती है. सो द अफेक्शन इज़ द गिविंग एंड टेकिंग, दैट्स रेसिप्रोकल. देन द फैमिली, फैमिली आल्सो अ कॉज ऑफ योर हैप्पीनेस. अगर आप फैमिली की फैमिली को देखते हैं, उसको अप्रोप्रियट टाइम देते हैं, उनके उनका ख्याल रखते हैं, तो ये भी आपके लिए एक हैप्पीनेस का सबब बनती है. अफेक्शन ऑफ द पेरेंट्स फॉर चिल्ड्रेन, जो अफेक्शन होती है पेरेंट्स की अपने चिल्ड्रेन के लिए, एंड द चिल्ड्रेन फॉर पेरेंट्स कैपेबल ऑफ बींग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस. जो चिल्ड्रेन की अफेक्शन होती है पेरेंट के साथ, या पेरेंट्स की जो अफेक्शन होती है चिल्ड्रेन के साथ, ये एक ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है अकॉर्डिंग टू बर्ट्रेंड रसेल. उनके ख्याल में, उनके मुताबिक जो सबसे हैप्पीनेस का सबब होता है, अफेक्शन का सबब होता है, वो आपकी फैमिली होती है. अगर आप बींग ए पेरेंट्स, आपकी अफेक्शन है आपके चिल्ड्रन के लिए, आर बींग चिल्ड्रेन यू हैव द अफेक्शन फॉर योर पेरेंट्स, तो ये सबसे बड़ा हैप्पीनेस का सोर्स है. बट इन फैक्ट द प्रेजेंट डे, मौजूदा दौर में, मौजूदा टाइम में, द रिलेशन ऑफ पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन इन 9 केसेस आउट ऑफ 10 अ सोर्स ऑफ अनहैप्पीनेस टू बोथ पार्टीज. अगर आप 10 में से 9 केसेस देखें, तो 9 केसेस ऐसे आपको मिलेंगे जिसमें जो एक रिलेशन है पेरेंट्स का और चिल्ड्रेन का, वो आपको डिस्टर्ब रिलेशन मिलेगा. ये दोनों के लिए एक प्रॉब्लम का सबब बनेगा, लेकिन हैप्पीनेस का सबब नहीं होगा. बिकॉज वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द रियल अफेक्शन बिटवीन द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन. जो एक चिल्ड्रेन और पेरेंट्स के दरमियान होनी चाहिए, वो अफेक्शन हमें कभी नहीं समझ सकते, नहीं समझ रहे. देयरफॉर अगर आप 10 में से 10 केस उठाकर देखेंगे, तो आपको 9 केस ऐसे मिलेंगे, 9 केस ऐसे होंगे जिसमें ये रिलेशन बोथ पेरेंट्स एंड फादर का आप डिस्टर्ब रिलेशन मिलेगा. ये एक सोर्स ऑफ अनहैप्पीनेस का बनेगा. और अगर आप कंपेयर करेंगे, ये रिलेशन स्पेशली पेरेंट्स और फादर चिल्ड्रेन का आपको डिस्टर्ब ही मिलेगा. टू causes have combined to make woman feel parenthood. दो सबब हैं जो वुमन को महसूस करवाती हैं पेरेंटहुड. अ बर्डन फार हैवियर देन इट वॉज एवर फेल्ड टू बी इन फार्मर टाइम्स. जो पहले ज़माने में बिल्कुल कम होता था, अब इस ज़माने में बहुत हो गया है. दीज टू causes आर वन द वन हैंड. एक तो ये द ओपनिंग ऑफ कैरियर्स टू सिंगल वुमेन, जो एक कैरियर है वुमन के लिए. इन अदर हैंड द डेके ऑफ डोमेस्टिक सर्विस. अगर कोई फीमेल है, उसके लिए कैरियर, दूसरे बाद उसकी डोमेस्टिक जो सर्विसेज हैं, वो दो अहम अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती हैं. ज़्यादातर अगर हम अपनी सोसाइटी से देखें, अगर कोई वुमन है दैट्स शी इज़ वर्किंग इन टू एनी फील्ड, उसके बाद उसको घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखनी होती है, बच्चों का ख्याल रखना होता है. तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये बड़ा काजेज हैं, ये जो अहम काजेज हैं जो एक पेरेंटहुड की तरफ एक वुमन को ले जाते हैं. वी हैव टू सी एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट होल
गेम. देन द पेरेंट्स आर नो लॉन्गर श्योर ऑफ देयर राइट्स एज अगेंस्ट देयर चिल्ड्रेन. डेफिनेटली जो पेरेंट्स के राइट हैं, दे आर नॉट श्योर अबाउट देयर चिल्ड्रेन एंड चिल्ड्रेन नो लॉन्गर फील दैट दे ओ रिस्पेक्ट टू देयर पेरेंट्स. वो यहाँ तो पेरेंट्स के रिस्पेक्ट की कोई ख्याल नहीं होता. द वर्च्यू ऑफ ओबीडियंस विच वॉज फॉर्मरली एग्जेक्टेड विदाउट क्वेश्चन हैज़ बिकम अनफैशनेबल. डेफिनेटली एक रिस्पेक्ट का पहलू आस्ते आस्ते ये डिक्रीज होता जा रहा है. जो एक अफेक्शन होती है पेरेंट्स और चिल्ड्रन के दरमियान, तो ये आस्ते आस्ते अब डिक्रीज हो जाती है. ज़्यादातर पेरेंट की साइड से अगर कोई अफेक्शन होती है, लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये एक अनफैशनेबल चीज़ होती है कि यू हैव टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. ये आस्ते आस्ते ये सारा जो जीस्ट है, ये जो सारा सारी ये अफेक्शन है, वो डिक्रीज होती जा रही है. देन द वर्क, अगर आप काम को काम समझते हैं, वो भी आपकी खुशी का सबब बनता है. वर्क देयर फोर इज़ द डिज़ायरेबल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एज ए प्रिवेंटिव ऑफ बोर्डम. ये एक बोर्डम से आपको बचाता है. अगर इफ़ यू सी, ये बोर्डम का जो है सबब नहीं बनता. अगर आप काम में दिलचस्पी लेते हैं तो ये आपको एक पीसफुल स्टेट प्रोवाइड करता है. सेकेंड, इट गिव्स अ चांस ऑफ सक्सेस. डेफिनेटली आपको एक चांस मिलता है सक्सेस के लिए अगर आप काम अच्छे तरीके से करते हैं. एंड द अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्बिशंस, यू आर एम्बिशियस अबाउट द एनी न्यू अपॉर्चुनिटी. आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको न्यू चांस मिलता है अगर आप कोई काम एक डिटर्मिनेशन एंड डिवोशन के साथ करते हैं. द वेन वर्क इज़ इंटरेस्टिंग, अगर कोई काम इंटरेस्टिंग है, इट केपेबल ऑफ गिविंग सेटिस्फेक्शन. डेफिनेटली यू गॉट द सेटिस्फेक्शन वेन यू आर डूइंग एनी ग्रेट वर्क. अगर कोई ऐसा ग्रेट काम कर रहे हैं तो आप उससे आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है. अगर चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, अगर कोई ऐसा काम आप करते हैं, यू आर सेटिस्फाइड दैट वर्क, यू विल गेट अ प्लेयर, यू गेट अ सूथिंग स्टेट ऑफ द माइंड. Satisfaction of far higher order than more relief from tedium. Skill and construction make work interesting. ये जो आपका स्किल होता है और जो कंस्ट्रक्शन होती है, उस काम करने का जो तरीक़ेकार होता है, ये सारी चीज़ें आपके काम को इंटरेस्टिंग बनाती हैं. अगर कोई भी काम करते हैं आप, चाहे एज ए स्टूडेंट आप पढ़ाई करते हैं, एज ए टीचर आप कोई लेक्चर बनाते हैं, अगर आपको ये स्किल है कि हाउ टू डिलीवर गुड लेक्चर एंड हाउ यू टू मेक अ लेक्चर मोर इंटरेस्टिंग, तो आपका जो ये काम है आपको खुद एक प्लेयर देगा, खुद आपको एक सेटिस्फिकेशन देगा, ये पीस की तरफ, एक हैप्पीनेस की तरफ आपको ले जाएगा. One of the source of unhappiness, fatigue and nervous strain, जो एक mental fatigue या physical fatigue जो एक unhappiness का सबब बनती है. ये चीज़ हमने previous lecture में, इस previous part में हमने discuss की थी. Strain in inability to be interested in anything that is not of practical importance in one's own life. हम क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं कि हम उस चीज़ की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या चीज़ है. वाई वी आर फटिग, वाई वी आर नर्वस, क्योंकि हम जो काम है हमारा, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं देखे, देयर फोर हम उसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेते. अगर आप उस काम में, चाहे वो डेली रूटीन का काम हो, अगर उसमें आप वैरायटी लाते हैं या उसमें एक कंस्ट्रक्शन अपने स्किल के साथ लाते हैं, तो ये आपका सारा काम एक इंटरेस्टिंग काम बन जाएगा जो आपको एक हैप्पीनेस की तरफ ले जाएगा. द रिजल्ट इज़ एक्साइटेबिलिटी, लैक ऑफ सेगेसिटी, इरेबिलिटी एंड लॉस ऑफ सेंस ऑफ प्रोबेशन. ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, एक्साइटेबिलिटी, वो लैक ऑफ सेगेसिटी, इरेटेबिलिटी हो या लॉस ऑफ सेंस ऑफ प्रोग्रेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको फटीग की तरफ, आपके नर्वसनेस की तरफ, आपके नर्वस फटीग, मेंटल फटीग की तरफ ले जाती हैं. क्योंकि आप जो काम है उस काम को काम ही नहीं समझ रहे, या उसमें कोई आप कंस्ट्रक्टेशन या कोई ऐसी वैरायटी नहीं ला रहे जिसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो. Even in the most fortunate life, जो खुशकिस्मत जिंदगियाँ होती हैं, there are times when things go wrong. Definitely, आप कितना भी एक अच्छे पेस के साथ ज़िंदगी आपकी जा रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम प्रॉब्लम फेस करते हैं. कोई ना कोई ऐसा एक्सीडेंट हमारे साथ ज़रूर होता है जहाँ चीज़ें बिल्कुल एक रॉन्ग डायरेक्शन में चली जाती हैं, हो सकते हैं, क्योंकि वी आर नॉट सर्टेन अबाउट द लाइफ. ये अनसर्टेनिटी हमारी ज़िंदगी में ज़रूर होती है. At such times, उस वक्त क्या करनी है, कैपेसिटी टू बिकम इंटरेस्टेड इन समथिंग आउटसाइड द कॉज ऑफ एंजाइटी इज़ एन इमेंस बून. ठीक है, उस टाइम अगर आप इंटरेस्ट बाहर डेवलप करते हैं,
तो एक बून का सबब बनती है, ये आपकी ब्लेसिंग नहीं होती है, एक बून होती है, क्योंकि आप जो आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ में नहीं है, आपका इंटरेस्ट कहीं और जा रहा है। देयर फोर दैट्स क्रिएट एनजाइटी, क्रिएट अ प्रॉब्लम, क्रिएट अ टेंशन एंड क्रिएट अ नर्वसनेस एंड क्रिएट अ फटीक, मेंटल फटीक। उसके बाद जो आपकी हैप्पीनेस का सबब होता है वो इफर्ट एंड रेजिग्नेशन जो होती है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर ऑल दीज रीज़न हैप्पीनेस मस्ट बी फॉर मोस्ट मैन एंड वुमन इन अचीवमेंट रादर देन द गिफ्ट ऑफ द गॉड्स। ठीक है, जो हैप्पीनेस है ये कोई गिफ्ट नहीं है, एक ये एक अचीवमेंट है, वो अचीवमेंट आप खुद हासिल करते हैं, ये आपके हाथ में होती है, कोई और नहीं है, कोई इस डिवाइन सोर्स से आपको ये हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। ये हैप्पीनेस, ये पीसफुल स्टेट, ये जो सारी चीज़ें हैं आपके हाथ में हैं। यू आर द चैम्पियन ऑफ दिस ऑल थिंग, ये अचीवमेंट है, ये आप उस चीज़ को हासिल करते हैं, ये आपकी एक अचीवमेंट होगी अगर आप एक पीसफुल स्टेट में हैं। एंड इन दिस अचीवमेंट एफर्ट बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड मस्ट प्ले अ ग्रेट पार्ट। आपकी जो एफर्ट्स हैं चाहे इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो, ये सब चीज़ें मिलकर आपको एक 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 अचीवमेंट की तरफ ले जाती है, वो अचीवमेंट जहाँ आपको आपके हैप्पीनेस मिलती है, जहाँ आप एक पीसफुल स्टेट में होते हैं। रेजिग्नेशन हैज़ ए पार्ट टू प्ले इन द कॉन्केस्ट ऑफ हैप्पीनेस, डेफिनेटली प्ले अ क्रूशियल रोल इन योर हैप्पीनेस। मैनी पीपल गेट इन टू फ्रेट और फ्यूरी ओवर एवरी लिटिल थिंग्स दैट गोज़ रॉन्ग। आप छोटी छोटी चीज़ों पर हाइपर हो जाते हैं, डेफिनेटली जिस फेज में हम हैं, स्पेशली वो जस्ट कमिंग फ्राम द टीन एज, जब टीन एज से हम थोड़ा बड़े हो जा रहे हैं तो हम छोटी चीज़ों पर अपना एक रेज, एक एंगर दिखाते हैं, एक गुस्सा दिखाते हैं, वी आर हाइपर एक छोटी छोटी चीज़ों पर बिल्कुल। आप ये क्या है, ये आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि आप छोटी चीज़ों को भी बड़ा देखते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं, इतना रिएक्शन नहीं होता है जितना, सॉरी इतना काज नहीं होता है जितना आप रिएक्शन दिखा दें, स्पेशली जिस फेज़ में एज ए स्टूडेंट हम हैं या एज ए जो यंग एज है हमारी, इसमें ये ज़्यादातर होती हैं, ये भी आपको एक डिस्टर्बनेस की तरफ ले जाती है। एंड इन दिस वे द वेस्ट ए ग्रेट डील ऑफ एनर्जी दैट माइट बी मोर यूजफुली एम्प्लॉयड। ये जो गुस्सा आप देखें, हमारे साथ ये एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, हम कोई काम नहीं करते, ठीक, हमसे एक ढंग की कोई असाइनमेंट नहीं बनती, हमसे ढंग से कोई पढ़ा नहीं जाता, फिर ये जो सारी जो ये गुस्सा है ये आप किस पे निकाल देंगे, टीचर पे निकाल देंगे, वो नहीं कर रहा, वो चीज़ वो वहाँ से ला कर दे रहा है, वो वहाँ, ये एक कॉमन परसेप्शन होती है हमारे यहाँ कि हम, अगर आप ये जो एनर्जी है छोटी छोटी चीज़ों पे, ये सारी एनर्जी अगर आप अपने पॉजिटिव डोमेन में इस्तेमाल करेंगे तो यू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, यू बिकम अ हैप्पी पर्सन। अगर आपको ये आर्ट होना चाहिए कि डोंट रिएक्ट ऑन एवरी लिटिल थिंग, यू हैव टू जस्ट यूज़ दिस एनर्जी, यूज़ दिस यू नो दैट पावर इन टू द पॉजिटिव डोमेन, जो आपको एक खुशी की तरफ ले जाए, एक सक्सेसफुल अचीवमेंट की तरफ ले जाए। देन द हैप्पी मैन कौन है, कौन सा ऐसा बंदा है जो आपके, हाँ, वो एक पीसफुल स्टेट में, एक हैप्पी स्टेट में है। हैप्पीनेस इज अ अचीवमेंट एज ए एविडेंट, हैप्पीनेस एज इज एविडेंट डिपेंड्स पार्टली अपॉन एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस एंड पार्टली अपॉन वन सेल्फ। डेफिनेटली ये जो हैप्पीनेस की जो कंडीशन है, ये जो खुशी है, जो पीसफुल स्टेट होती है हर की ज़िंदगी में, या तो आपके सर्कमस्टांसेस पे डिपेंडेंट होती है, डेफिनेटली आपके जो हालात ज़िंदगी है या जो आपके हालात बिगड़ जाते हैं उनके, ये आउटर जो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस होती हैं, जो एक्सटर्नल कंडीशन होती हैं, वो आपको इम्पेक्ट करती हैं। यही सबब है जो आपकी पीसफुल स्टेट जो डिस्टर्ब रहती है, लेकिन जो आउटर सर्कमस्टांसेस हैं वो सिर्फ आपके 50% हैं, लेकिन 50% आप पर डिपेंड है कि ये जो आउटर सर्कमस्टांसेस हैं, आउटर कंडीशंस हैं, आपके जो इम्पेक्ट करें उस इम्पेक्ट को, उसके काज को आप किस तरह रिप्लाई करते हैं, किस तरह टेकल करते हैं, किस तरह हैंडल करते हैं, उस पे सारी आपकी हैप्पीनेस डिपेंडेंट है। देखिए, काज इतना बड़ा नहीं होता जितना हम रिएक्शन दिखाते हैं। अगर हम इसको मैनेज कर सकें कि जितना काज है या जिस तरह का काज है, जिस तरह के सर्कमस्टांसेस है, विद इन दीज सर्कमस्टांसेस हम किस तरह बिहेव करें, किस तरह मैनेज करें, ये एक मैच्योरिटी होती है ज़िंदगी को समझने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक मेरे हिसाब से यही है, अगर आप ज़िंदगी में बड़े हो गए हो या मैच्योर हो गए, तो उसकी यही साइन है कि हाउ यू रिएक्ट ऑन द स्मॉल इशूज़, ऑन द वेरी ह्यूज इशूज़। अगर आप कोई इशू किस तरह हैंडल करते हैं,
उसमें से आपको ये पता चल जाता है यू आर मैच्योर और यू आर यू हैव द आर्ट हाउ टू हैंडल द प्रॉब्लम और हाउ टू फेस द प्रॉब्लम। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन ये जहन में रखें बर्टन रसल फिर भी इसमें एम्फेसाइज कर रहा है कि जो सरकम ट्रांसल हैं उसका सिर्फ 50% आपके हालात पे असर होता है, लेकिन 50% आपकी जो अपनी विल होती है, विजडम होती है, या अपना जो रिएक्ट होता है उस पर डिपेंडेंट होती हैं। वी आर आउटवर्ड सरकमस्टेंसेस आर नॉट डेफिनेटली ए अनफॉर्चुनेट। ये जो आफ्टर सरकमस्टेंसेस हैं ये तो आपकी बदकिस्मती का बदकिस्मती नहीं है, यहाँ हो सकती है। अ मैन शुड बी एबल टू अचीव हैप्पीनेस, मैन शुड स्ट्रगल फॉर अचीवमेंट ऑफ द हैप्पीनेस। हैप्पीनेस की जो अचीवमेंट है ये हासिल की जा सकती है, वी आर कैपेबल टू अचीव इट। प्रोवाइड दैट हिज पैशन एंड हिज इंटरेस्ट आर डायरेक्टेड आउटवर्ड नॉट इनवर्ड। आपका जो पैशन है, आपका जो इंटरेस्ट है, उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो आउटर वर्ड है नॉट इन वर्ड है। ये जो आपका पैशन है या जो आपका इंटरेस्ट है ये आपके आउटर सरकमस्टेंसेस को चेंज कर देगा। ऐसा नहीं होगा कि आपकी जो सरकमस्टेंसेस हैं या आपकी जो एक्सटर्नल कंडीशंस हैं ये आपको बिल्कुल एक इनवर्सली चेंज कर देगी। नो, इफ़ यू हैव द स्ट्रांग पैशन, इफ़ यू हैव इंटरेस्ट, ऑटोमेटिकली एंड स्पॉन्टेनियसली आपके जो आउटर सरकमस्टेंसेस हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब ये एक ट्रिकी पॉइंट इन्होंने किए कि हैप्पी मैन कौन हो सकता है, या जो इसमें आउटवर्ड या इनवर्ड की जो इन्होंने बात की वो यही है कि डेफिनेटली आपकी जो एक्सटर्नल सरकमस्टेंसेस होते हैं आपके इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन ये इसका 50% रोल है। ये आउटर सरकमस्टेंसेस आप ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं? अगर आपके पास पैशन है, आपके पास अगर इंटरेस्ट है, ये जो पैशन होता है या जो इंटरेस्ट होता है किसी भी चीज़ में, ये आपकी एक्सटर्नल कंडीशन को इन्फ्लुएंस करता है और आपकी एक्सटर्नल कंडीशन ठीक हो जाती हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट ही डिस्कस इन दिस चैप्टर। इट शुड बी अवर इंडिविजुअल, हमारी स्ट्रगल होनी चाहिए। देयरफोर वी शुड गेट इंटरेस्ट, वी शुड हैव पैशन बोथ इन एजुकेशन, एजुकेशन में होना चाहिए, इन द अटेम्प्ट टू एडजस्ट अवर सेल्फ इन द वर्ल्ड, हमें दुनिया के साथ मिलना चाहिए, दुनिया के जो 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 कसौटी दुनिया की होती है उसके साथ हमें मर्ज होना चाहिए। टू एम टू अवॉइडिंग सेल्फ सेंटर्ड पैशन, जो सेल्फ सेंटर्ड पैशन होता है वी शुड अवॉइड फ्राम दिस मैन। हमें दुनिया का जो एक रेस होता है या जो जिस तरह दुनिया का एक मिलियो होता है या जो आपकी सोसाइटी का मिलियो होता है, अगर आप उसमें मर्ज हो जाते हैं, ये एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है ज़िंदगी में ज़रूर होनी चाहिए। जिस तरह के आपके सरकमस्टेंसेस हैं, जिस तरह की आपकी कंडीशन है या जिस तरह के एनवायरनमेंट में आप हैं, यू शुड मर्ज विद दैट एनवायरनमेंट एंड यू हैव टू सर्वाइव इन दैट एनवायरनमेंट। यही सबसे इंपॉर्टेंट पहलू होता है ज़िंदगी में, जिस तरह के हालात होते हैं उस तरह आप बिल्कुल मर्ज होकर फिर आपका पेशेंट डेवलप होता है, फिर आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, देन यू रिएक्ट ऑन दिस थिंग एंड यू लिव अ हैप्पी लाइफ। द हैप्पी मैन इज़ द मैन हु लिव्स ऑब्जेक्टिवली। सबसे जो खुशी की बात आपके लिए ये होती है, आप ऑब्जेक्टिव हैं, यू आर नॉट सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट आपके पास ज़िंदगी में कोई बड़ा मकसद है, यू आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमनिटी। आप किसमें कोई आपके पर्सनल एग्रेमटिज्म नहीं है, पर्सनल कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप ऑब्जेक्टिव हैं अपने नेचर में, अपने एक्शन में, अपने काम में, तो यू आर हैप्पी मैन हु हैज़ फ्री अफेक्शन एंड वाइड इंटरेस्ट। डेफिनेटली हैज़ फ्री अफेक्शन। फ्री अफेक्शन आपके अफेक्शन, आपका जो लगाव सिर्फ अपनी ज़ातियात से नहीं होगा, आप ज़ात से बढ़कर देखते हैं, तो ये जो सारी चीज़ें आपकी हैप्पीनेस का सबब बनती हैं। दे इंक्रीज योर वाइड इंटरेस्ट, या आपकी इंटरेस्ट को बढ़ाती है, आपका जो इंटरेस्ट होता है वो भी बढ़ जाता है। थैंक यू सो मच। दिस वाज जस्ट यू नो दैट मेन पॉइंट्स आर द मेन आइडियाज दैट वी हैव रीड एंड दैट वी हैव डिस्कस फ्राम द कॉन्केस्ट ऑफ हैप्पीनेस। सो कीप इन माइंड दैट इन द फर्स्ट portion or the first part of this book we just discussed the causes of unhappiness, what are the main causes. In the second portion we just talk about the causes of happiness. Just Bertrand Russell talk in the first portion only the causes of unhappiness, wo kaun se aise causes hain, sabab hain jo unhappiness ke sabab hain. Uske baad jo second mein isme inhone discuss kiya hai second part mein, wo yehi hai ki kaun se aise causes hain jo happiness